नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है नवरात्र का सातवां दिन। तो नवरात्र में जितने नियम पूजा के हैं उससे कई ज़्यादा उसके खान पान के भी नियम हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नवरात्र के दिनों में उपवास रखते हैं। तो सबसे पहले दूध, चाय और दही, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, और दही के साथ साथ दूध के जो प्रोडक्ट है, दूध, दही और पनीर, इनमें से आप दूध पी सकते हैं या फिर नहीं पी सकते हैं। काफ़ी लोग दूध को अवॉइड करते हैं, और जैसे सोमवार के व्रत है तो उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं पीते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन नवरात्र के व्रत में अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास के दौरान जैसे जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सब आप यूज़ में ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में ऐसे नहीं कि आप पनीर को यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन दूध को आप यूज़ में ले सकते हैं, मतलब दूध पी सकते हैं। आप कितनी भी बार पी सकते हैं, अगर आपने एक टाइम पीते तो एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, कितनी भी बार आप पी सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।